सॉलिड्स में एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सॉलिड तीन टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटमिक स्ट्रक्चर का रिपीटेशन सॉलिड के पूरे वॉल्यूम में रहता है जैसे यह एक वन डी स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में सभी आइटम सेम हैं और इक्वल डिस्टेंसेस सेपरेट हो रहे हैं एटमिक स्ट्रक्चर के इस रिपीटेशन को पेरियोडिसिटी कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में यह पेरियोडिसिटी इन्फिनिट लेंथ तक बनी रहती है जिस वजह से पूरा सॉलिड एक ही सिंगल क्रिस्टल लगता है इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सिंगल क्रिस्टल भी कहते हैं अगर इसे एक टू डायमेंशनल क्रिस्टल से समझें तो इस स्ट्रक्चर में एटम्स का टू डायमेंशन में अरेंजमेंट दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिट लेंथ तक सेम पेरियोडिसिटी का है वहीं कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटमिक स्ट्रक्चर की पेरियोडिसिटी तो होती है लेकिन इन्फिनिट लेंथ तक की नहीं बल्कि यह पेरोडिसिटी छोटे छोटे टुकड़ों में होती है ऐसे सॉलिड्स को पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं जैसा कि इस स्ट्रक्चर से क्लियर है कि क्रिस्टल में पेरोडिसिटी तो है लेकिन एक डिस्टेंस के बाद यह पेरीडिसिटी ब्रेक हो जाती है इन टुकड़ों को ग्रेन कहते हैं हर ग्रेन अपने आप में एक सिंगल क्रिस्टल होता है लेकिन दो अलग अलग ग्रेन के बीच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता ग्रेन्स के बीच के जंक्शन को ग्रेन बाउंड्री कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ वहीं कुछ सॉलिड्स में किसी भी तरह के एटमिक स्ट्रक्चर की प्योरिसिटी नहीं होती है ऐसे सॉलिड्स को नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं कोई भी सॉलिड किस टाइप के होंगे यह उनके फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है जब भी किसी मटेरियल को उसके लिक्विड या मोल्टेड फेज से कूल cool डाउन किया जाता है तो उसके एटम्स खुद को अरेंज करने लगते हैं इस अरेंजमेंट में लगने वाला टाइम ही यह डिसाइड करता है कि सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा या नॉन क्रिस्टलाइन अगर किसी मटेरियल को उसके लिक्विड फेज से बहुत ही स्लोली कूल डाउन किया जाए तो एटम्स को एक हाईली ऑर्डर में अरेंज होने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है जिससे वे ठंडे होकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं यही वजह है कि बहुत से क्रिस्टल्स को माइंस के जरिए निकाला जाता है धरती के नीचे हजारों सालों तक रहने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इनके एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं जैसे डायमंड वहीं अगर मटेरियल को बहुत ही रैपिडली कूल डाउन किया जाए तो एटम्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता है और वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं लेकिन अगर कूलिंग की रेट ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम तो ऐसे में एटम्स अरेंज तो होंगे लेकिन उनका यह अरेंजमेंट लोकलाइज्ड होता है ऐसे में वो ग्रेन्स बना लेते हैं और पूरा सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन बन जाता है क्रिस्टल्स के कई प्रॉपर्टीज में से एक है उनका वेल डिफाइंड शेप एंड स्ट्रक्चर एक सॉलिड में फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस होते हैं लेकिन इनके नंबर रैंडम नहीं होते बल्कि एक वेल डिफाइंड रिलेशन में होते हैं जैसे एक क्यूबिक क्रिस्टल में आठ कॉर्नर्स बारह एजेस और छः फेसेस होते हैं क्रिस्टल में इन फेसेस कॉर्नर्स और एजेस को इस फार्मूले से बताया जा सकता है अगर किसी सॉलिड में छः फेसेस और आठ कॉर्नर्स हो तो उसमें ट्वेल्व ही एजेस होंगे नाउ कम टू द यूनिट सेल यूनिट सेल किसी क्रिस्टल सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होती है इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है एक तरह से इसे क्रिस्टल की स्मॉल रेप्लिका भी कहते हैं एक यूनिट सेल जिस तरह की होगी उसके रिपीटेशन से क्रिस्टल भी उसी तरह का फॉर्म होगा एक यूनिट सेल को लैटिस पॉइंट्स के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है सबसे पहले बात करते हैं लैटिस और लैटिस पॉइंट्स की लैटिस इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट होता है जो किसी क्रिस्टल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है जैसे यह एक क्यूबिक लैटिस है इस लैटिस के कॉर्नर्स जिन्हें डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है ये लैटिस पॉइंट्स हैं और यह कंप्लीट स्ट्रक्चर लैटिस है यह लैटिस पॉइंट्स क्रिस्टल में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लोकेशंस को बताते हैं इन लेटिस पॉइंट पर जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाता है उन्हें बेसिस या मोटिव कहते हैं ये बेसिस सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी अगर सभी बेसिस सेम होंगे तो हमें एक मोनो क्रिस्टल मिलेगा लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप के होंगे तो डा क्रिस्टल मिलेगा जब बेसिस को इन लेटिस पॉइंट्स पर अरेंज किया जाता है तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट मीन्स एक क्रिस्टल लैटिस और बेसिस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें एटम्स लैटिस के लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एटम्स का यह अरेंजमेंट कई तरह से हो सकता है जैसे टू में एक पैरलेलोग्राम जिसके वर्टी लैटिस पॉइंट्स हों एक टू यूनिट सेल बनाते हैं यह किसी भी शेप का हो सकता है इसी तरह थ्री में एक पैरलेलोपाइड जिसके वर्टिसेस लेटिस पॉइंट्स हो थ्री यूनिट सेल बनाते हैं इस तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल ड्रॉ किए जा सकते हैं लेकिन यूनिट सेल ड्रॉ करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यूनिट सेल क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट रेप्लिका हो अगर क्रिस्टल मोनो ऐटोमिक है तो लैटिस में सभी एटम्स सेम होंगे लेकिन अगर क्रिस्टल डाइटोमिक है तो एटम्स दो अलग अलग तरह के होंगे ऐसे में दोनों एटम्स को डिफाइन करने के लिए बेसिस वेक्टर काम में लिए जाते हैं जो दोनों एटम्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन को बताते हैं जैसे यह एक डाई एटॉमिक वन डी लेटिस है जिसमें दो सेम एटम्स एक दूसरे से ए डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं अगर एक टाइप के एटम को औरजन पर माने तो दूसरे टाइप के एटम की लोकेशन ए बाई टू आई कैप होगी ये दोनों वैक्टर्स इस लैटिस के बेसिस वैक्टर्स कहलाते हैं इसे एक और एग्जाम्पल से समझें तो यह भी एक डाई एटॉमिक टू डी लेटिस है जिसमें सेम एटम्स के बीच का सेपरेशन ए और दो कंजिव एटम्स के बीच का सेपरेशन ए बाई टू है इस लैटिस के बेसिस वेक्टर्स की बात करें तो अगर एटम पी को औरजन पर माने तो इसका बेसिस वेक्टर ज़ीरो और दूसरे एटम का बेसिस वैक्टर ए बाई टू कैप होगा लेकिन सभी यूनिट सेल एक जैसे नहीं होते कुछ यूनिट सेल प्रटिव होते हैं तो कुछ नॉन प्रेमेटिव इन दोनों टाइप के यूनिट सेल के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे